है गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है तीसरा दिन और अभी भी हम मुंबई के अंदर रुके हुए हैं और आज हमारा प्लान है जुहू बीच, गेटवे ऑफ इंडिया, वहाँ पर सब जगह पर घूमना। अगले दिन फिर बाद में हम निकल जाएंगे। मुंबई में मेरा एक फ्रेंड है, अमित नाम है, तो उसको मैंने जुहू बीच पे बुला लिया और वहाँ पर जाएंगे। सबसे पहले वहीं पे घूमेंगे करेंगे और उससे भी मिलेंगे। वो भी काफी टाइम से बोल रहा था कि यार अजमेर साइड माना है, मिलना है, तो आज मैं खुद ही उससे मिलने के लिए यहाँ पे आ गया। इवेंट वगैरह कल हो गया था कम्प्लीट और बहुत ही शानदार तरीके से वहाँ मजा आ गया। इवेंट में सब लोग आए थे और जिनसे भी मैंने मिला था वो पिछले वीडियो डे टू के अंदर आपको मिल जाएगा किन से मिला था। और बाकी आज डे थ्री है, मैं भी रेडी हूँ और साथ वाला भी रेडी है और हमारे बैग भी रेडी है। तो अब हम निकलते हैं यहाँ से, अब पकड़ते हैं ऑटो। तो गाइस ऑटो मिल गया। वाह भाई साहब, ऑटो को तो शानदार से जा रखा हमने, पौधे वगैरह सब कुछ लगा रखे। देखो इन्होंने, देख तुलसी का पेड़ भी है भाई साहब, क्या बात है यार। सुरेशी ने कितना शानदार कर रखा ऑटो को। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं जुहू बीच पे, तो एक बार जुहू बीच का व्यू दिखाता हूं मैं आपको। वो हवा चल रही है बहुत तेज और लहर आ रही है इधर की तरफ। तो एक बार मेरे फ्रेंड को कॉल लगाते हैं, वो इधर ही गई है और वो सामने मेरा फ्रेंड आ रहा है। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बली है, पोज मारते हुए औरा के सिरा पर नहीं रीच बली है। और भाई ये हालचाल गाइस, ये है अपने मुंबई का फ्रेंड एकमात्र और ये मेरे से काफी देर पहले आ गया था। मेरे को क्या एक्चुअली पता नहीं था कि वहाँ से कितना दूर है। मैंने सोचा 1.5 किलोमीटर तो फटाफट पहुंच जाएंगे, भाई साहब 11 किलोमीटर बता रहा था वहाँ से, इसलिए इतना टाइम लग गया। और तू तो आ नहीं पाया, हम आ गए। यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं एडवेंचर, दीदी वो लेके जा रहे उसके ऊपर। हाय गाइस, तो अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि क्या क्या करना है एडवेंचर यहाँ पे। तो सबसे पहले बोटिंग करेंगे, इसके बाद इसके अंदर कूद जाएंगे, सुसाइड करेंगे। तो वैसे अभी यहाँ पे बीच के ऊपर, यहाँ पे बीच में एक बोट खड़ी है और उसके ऊपर देखो डिस्प्ले लगा हुआ है, तो कुछ इवेंट वगैरह रहते हैं तो यहाँ से अपन थिएटर का मजा ले सकते हैं। सामने की तरफ देखो बोट यहाँ पे फिक्स है, यहाँ से हिलता नहीं है। बाकी हम लोग कभी बैठे नहीं है नाव वगैरह के अंदर, बोट वगैरह के अंदर, और ना ही हमको तैरना आता है। अगर उन्होंने ले जाके गिरा दिया तो भाई साहब अपन तो यहीं पे सुहा हो जाएंगे। थोड़ा बहुत हेजिटेशन है लेकिन बैठने के बाद डर खुल जाएगा, तो अभी ट्राई करते हैं बैठते क्या सिस्टम रहता है। अभी हम कर रहे हैं बोटिंग और उसके लिए ये सेफ्टी जैकेट भी पहन लेते हैं, इससे क्या होगा कि अपन पानी के ऊपर ही तैरते रहेंगे। ओके गाइस, तो अपन फाइनली रेडी हो चुके हैं चलने के लिए। फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस बाइक का, तो बहुत सारा एक्सपीरियंस ही एक्सपीरियंस है। ये भाई अपने दोस्त ही है, मुंबई के रहने वाले, यूट्यूब स्टार्ट करा था ना तब से मेरा फ्रेंड है ये और इसका नाम है अमित। आगे सरनेम मेरे को पता नहीं है, वो ये खुद बताएगा। मेरा नाम अमित प्रजापति है। वैसे तो यही बताया कि मैं कौन हूँ। नहीं, ये मेरे चैनल पर आ रखा है पहले भी, जब अपना देव का फेक्ट वाला जो मैटर हुआ था ना छोटा मोटा तेरा बाप वाला, उस टाइम पर इस भाई ने कमेंट करके अपने को सपोर्ट किया था। तो ये वही है अमित, काफी टाइम से मिलने के लिए मेरे वहाँ पे आने वाला था लेकिन फिर बाद में मैंने बोल दिया ठीक है मैं खुद ही आ रहा हूँ तो मिल लेते हैं, फोन करते हैं। पहले फुर्सत में चल के आ गया था अपने पास। सही बात बोल रहा है। चलो अब अपन बीच पे जा रहे हैं, देखते कैसा क्या सीन रहता है। गाइस हवा बहुत तेज चल रही है यहाँ पे और ये अपने भाई अमित भैया बैठ चुके हैं बोट के अंदर और अभी साथ में बोटिंग कर रहे हैं। अमित भाई आपके चैनल का नाम भी बता दो। मेरे चैनल का नाम क्रीपी स्पाई नाम का मेरा एक चैनल है जिसपे कुछ 5 लाख सब्सक्राइबर है। मेरा दूसरा भी चैनल है ट्रूथ शॉर्ट्स वर्ल्ड। कितने चैनल है आपके टोटल? फिलहाल तो मेरे 7 चैनल है। क्या बात करो, मेरे को ही नहीं पता 7 चैनल। एक मूवीज वाला भी तो था ना? हाँ हाँ, मूवीज वाला भी है लेकिन मैं रिवील नहीं कर सकता अभी फिलहाल। एक मेरी वाइफ का भी चैनल है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। अपने 4 चैनल ही है भाई, ग्रोथ पर है अलग ही, 7-8 चैनल। बस यही है कि मैं देव के इतना फेमस नहीं हूँ। पहले जॉब करता था भाई, तो उसके बाद में इसने बंद कर दिया और अभी फुल टाइम यूट्यूबर है, तो पैसे वैसे छाप चुका है ऑलरेडी, अब कैमरे वैमरे ले सकता है, ये इतना पैसा आ चुका है। कैमरा अभी लिया नहीं हूँ फिलहाल, तो आईफोन से ही काम चल रहा है। गाइस आईफोन गजब यार, ऐसा लग रहा है ऊपर से गिराते एकदम धम के, क्या बात है, कट कट लग रहा है पूरा। गाइस मजा आ रहा है बहुत। ओके गाइस, तो अभी पैराग्लाइडिंग की तैयारी कर रहे हैं। पैराग्लाइडिंग है, पैरा सेलिंग है, जो भी है आप समझ लेना। मत देखना बस, हवा में उड़ रहे हैं बस हम। जय श्री राम, जय श्री राम। तो गाइस हम तीनों हैं जो अभी हवा की ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। तारा तोड़ के लेके आएंगे। क्या तोड़ के लेके आएंगे? तारा। गाइस देखो सामने झंडा देखो, जय श्री राम। फिर से अपनी बोट चल चुकी है, तो फर्स्ट राइड में ले रहा हूँ गाइस तेरा साइटिंग की। तो गाइस अभी बोट नीचे और मैं हूँ आसमान की ऊंचाई में, मेरे पीछे है वो और मैं यहाँ पर लटक रखा हूँ। देखो देखो बोट छोटी सी लग रही है गाइस, बिल्कुल छोटी सी। अभी नितेश जा रहा है आसमान में और वो निकल गया, वो जा रहा है, देखो कितना ऊपर जा चुका है वो।
उड़ के आगे हम, और अब लग रही है भूख, तो हम जाएंगे अभी खाना खाने के लिए साथ में वोरा बीच। और हम यहाँ पे आए खाना खाने के लिए, इधर तो यहाँ पे समझ में नहीं आया क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पेट भर सकते हैं, तो हमको क्या पेट भर के खाना है। यहाँ पे गोलगप्पे लवर्स आ सकते हैं, वो आ सकते हैं। बोरा बोरा नाम से एक होटल है, यहाँ पे जाके देखते हैं खाना यहाँ पे कैसा है। ओके गाइस, यहाँ पे कुछ इस टाइप का लुक है इसका, देखो ऊपर छत्ते लग रखे हैं माल के, लेकिन इनके अंदर मधुमक्खियां नहीं है। ये मतलब हर चीज कैलकुलेशन के साथ में करता है, ये चीज देख के मैंने। हाँ तो क्यों ज्यादा खर्च करना जरूरी नहीं है, ज्यादा नहीं खर्च। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बली है। शो गाइस अनहोल्ड हो गया, अब चलते हैं आगे। ओके गाइस, तो अभी मैं आ चुका हूँ इस लोकेशन पर, और आपने ये वाला ब्रिज तो देखा ही होगा जो मेरे पीछे की साइड में, जो मूवी में सीन देखते हैं वो हम रियल में दिखा रहे हैं आपको। ये देखो ये ब्रिज कितना शानदार लग रहा है, और ये समुंदर भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस बीच पे तो घूम ले, और अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ। अभी हम आ रहे हैं मरीन ड्राइव पे और सनसेट का मजा ले रहे हैं। बहुत ही शानदार व्यू आ रहा है, एकदम शांति, आप एंजॉय करो सामने का व्यू। किरणों को ले जेब में निकले सूरज बेचने, चप्पे चप्पे गूंजती खिलकारियां। दिल को सुकून मिल गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो गाइस अभी टैक्सी ले ली और अब निकलते हैं हम ताज होटल के लिए। की आंखें सेकने दो, हल्की हल्की आंच दो नजर। ओए गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ गेटवे ऑफ इंडिया, और ये है ताज होटल जो कि बिल्कुल सामने ही है। क्योंकि लाइट जल रही है तो ये कितनी शानदार लग रही है। 9/11 वाला हादसा इसी होटल के अंदर हुआ था, तिरंगे का कलर हो चुका है यहाँ पे, कितना शानदार लग रहा है, वाह एक नंबर वैसे एक नंबर। तो वैसे अब लास्ट डेस्टिनेशन बाकी है, वो है मुंबा देवी जी की, तो वहाँ पर जाएंगे अब हम लास्ट, और फिर बाद में आज का एंड हो जाएगा हमारा ट्रिप। तो वैसे अभी हम बहुत पास है मुंबा देवी जी के मंदिर के, और हमारे सामने ही है वो है टॉप, ये रास्ता जा रहा है अंदर की तरफ मुंबा देवी मंदिर, और इसमें अभी आरती चल रही है। तो गाइस यहाँ से हम प्रसाद वगैरह ले रहे हैं, अच्छे से दर्शन हो गए। आई होप कि गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।